हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुंजन के सवाल के ऊपर। गुंजन ने कमेंट्स बॉक्स में हमसे एक सवाल पूछा था कि सर क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का कोई ड्रॉबैक है, या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने में कम समय लगता है और जो गवर्नमेंट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं क्या वहाँ से अधिक समय लगता है पीएचडी करने में। लेकिन सबसे मेजर पॉइंट जो था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का कोई ड्रॉबैक है क्या, तो आज इस वीडियो में इसी सवाल के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, अगर आपका भी कोई गुंजन की तरह कोई सवाल हो तो सबसे पहले उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगले वीडियो में मैं उसी सवाल को पिक करते हुए एक वीडियो बना दूंगा। अब हम गुंजन के सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कभी भी, जब से मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया था पिछले 2 साल पहले या 2.5 साल पहले, तब से मैंने आज तक कभी भी ये सलाह आपको नहीं दी है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कीजिए। उसका कारण मैं कई वीडियोज में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ कोई ड्रॉबैक है क्या, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करूँगा कि समय प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ज़्यादा लगता है या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ज़्यादा लगता है। फिर हम ड्रॉबैक के बारे में बात करेंगे, क्या क्या नुकसान आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले बिंदु पर फोकस करते हुए बात करते हैं कि देखो भाई, सब पहले आज से कई साल पहले ये नियम था कि आपको मिनिमम 18 महीने आपको पीएचडी में लगाने होते थे, लेकिन अभी ये नियम में थोड़ा परिवर्तन आ गया है और अब मिनिमम 3 साल का वक्त लगता है आपको पीएचडी करने में। ये तो आप चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करो, चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करो, जहाँ से भी करो, लेकिन इतना तो आपको समय तो आपको लगना ही लगना है पीएचडी करने में। अब हम इसको प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि भाई क्या 3 साल में कोई व्यक्ति पीएचडी कर सकता है। मैं कहूंगा नहीं, या फिर अगर कोई करेगा तो पूरी तरह से पीएचडी के साथ जस्टिस नहीं करेगा, और मतलब जहां तक मैंने देखा है पॉसिबल नहीं है, इतना मैं कह सकता हूं। देखो पॉसिबल वर्ड को हटा देता हूं यहां से, पॉसिबल तो है लेकिन वो चीजों को समेट नहीं पाते हैं इतने कम व्यक्ति में। चलिए जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे DU है, चाहे JNU है, चाहे BHU है, चाहे AMU, जितनी भी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वो आपको PhD कराने में कम से भी कम 4 से 4.5 का साल का वक्त तो लेती ही लेती हैं। रही बात सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अलावा स्टेट यूनिवर्सिटीज की, वहां पर भी आपको इतना ही समय लगेगा क्योंकि थीसिस की प्रक्रिया बहुत बड़ी होती है। मैंने एक वीडियो बना रखा है कि किस किस तरीके से, आपको आई बटन में दिख जाएगा कि किस किस तरीके से आपकी थीसिस राउंड राउंड घूमती रहती है यूनिवर्सिटी में, जाकर वो एग्जामिनर के पास पहुंचती है। तो मेरे साथियों कुल मिलाकर बात ऐसी है कि कोई अंतर नहीं होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी और सरकारी यूनिवर्सिटी से टाइम का। जो आधिकारिक रूप से जो समय है वो दोनों के लिए समान दिया हुआ है। हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये कह सकते हैं कि भाई आप कोई शॉर्ट कट अपना सकते हो, ऐसा संभवतः ऐसा होता हो, मुझे तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन संभवतः ऐसा कोई रास्ता हो जिसमें शॉर्टकट अपनाते हो, जल्दी जल्दी थीसिस लिख लेते हो, जल्दी जल्दी जो इंटरनल प्रक्रियाएं हैं उनसे आपका थीसिस जल्दी निकलकर एग्जामिनर के पास जाता हो, जल्दी वाइवा हो जाता हो, शायद ऐसा होता हो। लेकिन अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसा मेरा अनुभव है, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी जो, भाई वाइवा होने में ही काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। आपका थीसिस बाइंड हो गया, आप प्री प्रेजेंटेशन हो गया, उसके बाद में आपका थीसिस यूनिवर्सिटी में जमा हो गया, फिर वहाँ से काफ़ी समय बाद आपके एग्जामिनर ने चेक करके भेजा, वहाँ से रिपोर्ट भेजी, ऐसे ऐसे करने में कई बार 6 महीने से अधिक समय या 6 मंथ का समय तो इन्हीं प्रक्रियाओं में गुजर जाता है। चलिए मतलब कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं हम भाई, बराबर वैसे आधिकारिक रूप से बराबर का समय लगता है, लेकिन प्राइवेट में लोग शॉर्टकट अपना लेते होंगे, मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, चलिए आप अपने हिसाब से देख लेना। चलिए अब हम बात करते हैं क्या ड्रॉबैक है क्या। मैं जी हाँ कहूंगा है, पर उसका कारण दूंगा कैसे है ड्रॉबैक। देखो सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, क्योंकि मेरे पास खुद का पास पीएचडी का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ने पीएचडी किया है। एक बात समझ लो आप एक को मैं उदाहरण देना चाहूंगा, मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहूंगा। देखो भाई गुंजन सुन लो ध्यान से, आप लोगों के मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स कर दिया करो,
देखो कमेंट से ही मुझे आइडिया आता है कि मुझे क्या वीडियो बनाना है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। तो कमेंट्स तो प्रत्येक व्यक्ति किया ही किया करो, है ना, और लाइक भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलो भाई गुंजन, अब आप सुन लीजिए ध्यान से और जितने भी दोस्त हैं आप भी सुन लीजिए। देखो एक उदाहरण समझो आप कि आप मान लो कहीं इंटरव्यू देने गए, एग्जाम्पल तौर कोई यूनिवर्सिटी में आप इंटरव्यू देने गए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। दो सीट है और पांच लोग इंटरव्यू देने गए, उदाहरण के रूप में समझ लो कि दो सीट है और पांच लोग आप इंटरव्यू देने के लिए गए। उनमें से एक स्टूडेंट है JNU का है, एक स्टूडेंट है BHU का है, या एक स्टूडेंट कोई अच्छी यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी का है, ठीक, और दो स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से PhD किया है। देखो मेरे भाइयों एक बात बता दूं, ऐसी सत्यता नहीं है लेकिन मिथ बैठा हुआ है प्रोफेसर्स के माइंड में। ऐसा सभी जगह नहीं होता है लेकिन अधिकतर जो प्रोफेसर्स होते हैं जो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, लेते हैं यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, उनके मन में एक मिथ बैठा हुआ है कि भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो लापरवाही होती है और वह ध्यान नहीं देते, ऐसा मिथ बैठा हुआ है उनके ऊपर। ये तो कहीं से इधर विधर से थीसिस बनवा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, इसलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। इसलिए आप ध्यान से समझो कि अगर दो सीट हैं, पांच स्टूडेंट गए हैं, तो पहले वो बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे DU, JNU, BHU, AMU या जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनके बच्चों को, उनके जो प्रतिभागी हैं उनको पहले वरीयता देंगे, उसके बाद में कहीं जाके वरीयता देंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी को। तो आप सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही लगा लीजिए भाई कि आप कितने बड़े लॉस में चले जाओगे। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ सकता है। और दूसरा भाई ड्रॉबैक ये है कि भाई वैल्यू नहीं रहती है। DU से PhD करने वाला बंदा कॉलर चौड़ा के चलेगा कि यार मैंने BHU से PhD किया है, मैंने DU से किया है, एक अलग एटीट्यूड रखेगा बंदा। JNU से किया है, AMU से किया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कहने वाला चार बार सोचेगा कि यार मैंने कहां से किया है, क्योंकि सामने वाला बंदा भी जानता है कि जहां से आपने PhD की है वहां पर शायद उस लेवल के प्रोफेसर्स ने PhD करवाई भी नहीं होगी, सबको पता है। तो इसलिए साथी कई बार ये भी आप थोड़ा सा इस तरह का भेदभाव का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है लर्न, आप सीख नहीं पाओगे। जी हाँ, मान लो एक बड़ी यूनिवर्सिटी से BHU से कर रहे हो, JNU से कर रहे हो, DU से कर रहे हो, AMU से कर रहे हो, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, मान लो आप PhD कर रहे हो स्टेट यूनिवर्सिटीज से, प्रोफेसर हैं जिनके पास 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, जो बच्चों को उन्होंने कई PhD करवा दी हैं, तो उनसे जो चीज़ सीखोगे वो मेरे ख्याल से, मैं देखो गलत भी हो सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन मेरे ख्याल से वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं वो चीज़ मिस कर दोगे, जो उनका अनुभव है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर मिस कर दोगे आप, जो लर्न करने, जो सीखने की जो क्षमता है रिसर्च को, वो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कम कर दोगे। तो ये भी एक ड्रॉबैक है प्राइवेट यूनिवर्सिटी से PhD करने का। गुंजन के साथ साथ आप सभी लोग भी समझ गए होंगे कि मैंने संक्षिप्त में क्या क्या ड्रॉबैक हैं वो बतला दिए हैं, और कितना समय लगता है PhD करते समय मिनिमम, वो भी मैंने आप लोगों के लिए स्पष्ट करके यहाँ पर बतला दिया है। और भी कई ड्रॉबैक हो सकते हैं, ऐसा नहीं केवल ड्रॉबैक ही है, फायदे भी हैं। फायदों में हम ये कह सकते हैं कि आप आसानी से PhD कर लोगे, अगर आपको प्रमोशन के लिए अगर कोई PhD करनी है तो गो फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जा सकते हो, तुरंत से PhD करो और अपना प्रमोशन ले लो। ऐसे कई पहलू आ सकते हैं जो फायदे में हम उनको काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ड्रॉबैक की बात कर रहे थे। उम्मीद है साथियों अगर आपका भी इसी प्रकार का कोई भी सवाल हो, चाहे वो PhD से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो रिसर्च से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसी भी चीज़ से अगर आपका जुड़ा हुआ हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट्स के आधार पर एक नया वीडियो बनाकर मैं आपको समझा दूंगा। थैंक यू।